हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे हाफ एंड हाफ साड़ी का रीयूज, जो कि मैंने खुद से बनाया है और ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी मैंने एक हाफ एंड हाफ साड़ी को रीयूज़ किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो साड़ी थी वो जॉर्जेट की थी और उसका कलर बहुत सुंदर था, उससे प्रिंट भी बहुत अच्छे थे इसके, और इसमें जो आँचल वाला पार्ट था वो भी ऑर्गेंजा फैब्रिक का इसमें आँचल दिया था, और इसके जो बॉर्डर थे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था साड़ी में कि आँचल सिर्फ 1.5 मीटर था, जो कि मेरे कंधे से शुरू होता था, तो इसके लिए वो मुझे पहनने पे इतना अच्छा लुक नहीं आता था, जिसके कारण वो मैं पहन नहीं पा रही थी। तो उसको मैंने रीयूज़ किया है। तो फ्रेंड, साड़ी का जो नीचे वाला पार्ट था उसका मैंने ये ड्रेस बनाया है, और ये देखिए, तो ये देखिए, ये अंगरखा पैटर्न में अनारकली ड्रेस बनाया मैंने। ये अनारकली है नीचे, क्योंकि काफ़ी फैब्रिक मिल गया था, क्योंकि प्रिंटेड था और इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी नहीं, तो इसलिए पूरा फैब्रिक आराम से मिल गया इसका। और यहाँ पे मैंने अंगरखा पैटर्न बनाया है, साथ में यहाँ पे मैंने, आप देखिए, यहाँ पे मैंने डोरी लगाई हुई, डोरी यहाँ पे मैंने इस तरह से लूप बना के लगाई है। एक ही कलर का है शायद, नहीं दिख रहा होगा। और नीचे में इस तरह के कुशन वाले टेसल्स लगाए हैं इसमें, और जो कि बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे स्लीव मैंने 3/4 स्लीव दी है, जिसमें बेल स्लीव बनाया है। और नीचे में, क्योंकि इसके बॉर्डर बहुत सुंदर थे, तो इसको मैंने नीचे में बॉर्डर यूज़ कर लिया, जिसके कारण ये बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन बॉर्डर इतना, काफ़ी बॉर्डर इसमें मैंने लगा लिया था। और स्लीव पे मैंने जो ब्लाउज़ में जो बॉर्डर लगे हुए थे उसको निकाल के मैंने लगा लिया, क्योंकि कम हो जाते फिर बॉर्डर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया है। और ये जो लेस मैंने लगाई हुई है, ये साड़ी का बॉर्डर का ही है। नीचे वाले पार्ट आप देख सकते हैं कि ये प्लेन है, इसको मैंने निकाल कर यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बनाया है, जो कि इसमें लगाया, इसलिए बॉर्डर थोड़ा कम हो जा रहा था, क्योंकि नीचे भी लगा है फिर स्लीव पे लगाने के लिए, ब्लाउज में से मैंने निकाला। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मैंने गोटा पट्टी वाली लेस लगाई हुई है, और ये लेस मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। ये देखिए, आजकल सभी ड्रेस में, कुर्तियों में ऑनलाइन आप कोई भी परचेज़ करिए, और ऑनलाइन या ऑफलाइन यही वाले लेस लगे होते गोटा पट्टी के। तो इसको मैंने मीशो से मंगाया था, ये 122 रुपीज़ में मुझे मिला था। इसमें 45 मीटर मेंशन था, और बहुत सही मिला, क्योंकि इसके पहले मैं, मुझे एक दुपट्टे में लगाने के लिए लेना था, तो लोकल शॉप से मैंने लिया था, उन्होंने 15 रुपये मीटर के हिसाब से दिया था। अगर 15 रुपये मीटर के हिसाब से 8 मीटर लेंगे तो आपका 120 रुपये ऐसे ही हो जाएगा। तो ये 45 मीटर मिल गया है, और कई लोगों ने रिव्यू दिया था कि ये 35 मीटर है, किसी को 38 मीटर मिला है, लेकिन मैंने इसको पूरा खोल के नापा नहीं है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें बहुत सारे कलर थे, सिल्वर में भी था, मैट गोल्ड था, ये मेरा मैट गोल्ड है, और इसका कोड मैं दे दूँगी, बहुत सही है। अगर आपके आसपास में कोई शॉप वगैरह नहीं है इस तरह की, तो आप मंगा सकती हैं मीशो से, अच्छे दाम पर मिल जा रहा है ये तो। और इस ड्रेस में मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है इसमें, ये देखिए, कॉटन की लाइनिंग लगाई है, ब्लैक कलर की मुझे मिली, तो मैंने ब्लैक कलर का ही लगाया है इसमें, और कंफर्टेबल रहता है, कॉटन की लाइनिंग रहती है तो हमेशा यूज़ में है। तो इसका जो आँचल वाला पार्ट था उसका मैंने बनाया है दुपट्टा, और क्योंकि ये सिर्फ 1.5 मीटर ही इसका फैब्रिक था, तो इसके लिए मैंने एक दुपट्टे की चौड़ाई के हिसाब से इसको कट कर लिया, और साइड में जो पार्ट बचा हुआ था उसको मैंने दोनों साइड में अटैच कर दिया है, क्योंकि अगर इक्वल पार्ट में करते तो वो ज़्यादा चौड़ा दुपट्टा नहीं हो पाता, और बीच में जब कंधे पे ज्वाइन आता है तो अच्छा नहीं दिखता है, नीचे में रहता है तो अच्छा लगता है, पता नहीं चलता है। तो ये बनाया है दुपट्टा, और ये देखें, इस तरह से मैंने इसको जोड़ा है यहाँ से, और इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी है, और इस, ये जो साड़ी का जो बॉर्डर था, दोनों साइड में मैंने साड़ी का बॉर्डर लगा दिया है, ये देखें, दोनों साइड में लगा दी, लेकिन नीचे में हो नहीं पा रहा था, कम हो गया था, तो इसके लिए मैंने दूसरा एक लेस लिया है, ये बिल्कुल मैचिंग का कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको लगाया है, और नीचे में ये इसी लेस को मैंने डबल लेयर में लगाया है, और नीचे में यही गोटा पट्टी वाली लेस लगा दी, जिसके कारण ये बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत हैवी लुक भी आ रहा है इसका, ये देखिए। तो ये दुपट्टे की अब लंबाई पूरी 2.25 मीटर हो गई है, जिससे आप देख सकती हैं पिक्चर में, ये बहुत सुंदर भी लग रहा है। और इस कुर्ती के साथ मैंने पहना है ये बेल्ट, मेटल का ये बेल्ट है, और ये देखिए बहुत सुंदर सा, इसको मैंने अमेजोन से लिया है, मैंने मीशो पे पहले देखा था, तो मीशो में ये 350 रुपीज़ का मिल रहा था, और अमेजोन पे मुझे ये 250 रुपीज़ में मिला है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन भी थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये मेरे पास मेटल का ये बहुत सुंदर है, इलास्टिक जैसा दिया हुआ है, मेटल का ही है लेकिन,
और फिट हो जाता है बहुत अच्छे से और दिखने में भी बहुत सुंदर। ये मेरे पास ड्रेस में पहनने के लिए इकलौता बेल्ट है। तो फ्रेंड्स पहनने पे ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो भी आप पूछ सकती हैं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बनी रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।